नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 में भाग 3 तक देखा। भाग 3 में आपको तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और उसके संचरण के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वे कैसे जाते हैं। अब उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ें आती हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भाग 3 में आपसे क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म में धनात्मक आयन के रूप में कौन सा आयन पाया जाता है, तो वो है पोटेशियम आयन। फिर आपसे पूछा गया था ऊतक द्रव में धनात्मक आयन के रूप में कौन सा आयन पाया जाता है, सोडियम आयन। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि विराम कला विभव में निगेटिव पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट का। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि सोडियम आयन के आवागमन के लिए कितना आवेश होना चाहिए कि सारे गेट खुल जाए सोडियम आयन के एक्सोप्लाज्म में अंदर आने के लिए, तो -50 मिलीवोल्ट का आवेश होना चाहिए जिससे एक्सोलेमा के सारे चैनल खुल जाते हैं सोडियम आयन के आवागमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कितने आवेश पर होता है, तो 35+35 मिलीवोल्ट पर इसका उत्पन्न होता है। और इस विभव को क्या कहते हैं, तो इस विभव को क्रिया विभव यानी एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जिस जोड़ द्वारा जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम युग्मानुबंध यानी सिनेप्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि टीलोडेंड्रिया के इस स्थान पर, सिनेप्स वाले स्थान पर जो तंत्री संचारी पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी जो पदार्थ पाया जाता है, तो वो पदार्थ है तंत्री संचारी पदार्थ यानी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि स्थानांतरण के बाद, आवेग का स्थानांतरण के बाद जो तंत्री संचारी पदार्थ होता है उनका जल अपघटन कौन सी एंजाइम करती है, तो कोलन एस्टरेज एंजाइम तंत्री संचारी पदार्थों का जल अपघटन करता है। बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 4 के टॉपिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं। आपने पढ़ा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो अंग आते हैं, एक है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा है मेरुरज्जु, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में यानी ब्रेन के बारे में। ठीक, तो आपका हेडिंग होगा मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और इसमें लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। थोड़ा बहुत समझते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क क्या होता है, केंद्रीय सूचना प्रसारण तंत्र होता है। यानी यह हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें सूचनाओं के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखता है, कौन सी क्रिया होनी है कौन सी क्रिया नहीं होनी, सारी चीज़ें हमारी ब्रेन यानी मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। क्रियाओं में आपको कुछ बताना नहीं है, आप वैसे भी जानते हैं, कोई भी क्रिया जैसे ऐच्छिक गमन है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, हम इस तरह से हाथ को मूव करा रहे हैं, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो सभी मस्तिष्क द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। ये तो ऐच्छिक गमन है। बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाएं जैसे वृक्क का कार्य, हमारे हृदय का कार्य, हमारे फेफड़े का कार्य, इन सभी का कार्य को नियंत्रित करता है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। इसके साथ साथ हमें बोलने सुनने और किसी भी चीज़ को याद रखने, गुस्सा भय डर, इन सभी का नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर द्वारा होती है, तो मस्तिष्क की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है, ठीक, याद करेंगे मस्तिष्क की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होता है, भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से होता है। हमारा जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है वो तीन रक्षक झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु तीन रक्षक झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। अब ये तीन रक्षक झिल्लियां कौन कौन सी हैं, सबसे आंतरिक जो स्तर होता है उसे हम कहते हैं पायामेटर, फिर दूसरा
अरैक्नॉइड और तीसरा डायामेटर, डायामेटर। हमारे जो मस्तिष्क होता है ब्रेन, वो चारों तरफ से हम एक हड्डी अस्थियों के समूह द्वारा घिरा होता है, जिसे हम कपाल कहते हैं या स्कल कहते हैं, खोपड़ी। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जो ब्रेन होता है वो अस्थियों के समूह द्वारा घिरा होता है, जिसे हम स्कल कहते हैं यानी कपाल कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तीन झिल्लियों द्वारा सुरक्षित होती हैं, तीन रक्षक झिल्लियों द्वारा सुरक्षित होती हैं। कौन कौन सी, याद करिए, पायामेटर, अरेक्नाइड और ड्यूरामेटर है, सॉरी। ड्यूरामेटर इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं। अगर इन झिल्लियों में किसी भी प्रकार से सूजन आ जाता है तो उस रोग को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक। अगर इन झिल्लियों में किसी भी प्रकार से, वैसे तो ये जो झिल्लियाँ होती हैं वो हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती हैं, किसी भी आघात से, चोट लगने से हमारे मस्तिष्क को बचाती हैं। किसी भी वजह से अगर चोट लगने पर इन झिल्लियों में सूजन आ जाता है तो इस रोग को हम मेनिनजाइटिस कहते हैं। ये झिल्लियाँ क्रमवार पाई जाती हैं मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर। सबसे आंतरिक जो परत होती है वो है पायामेटर, ठीक है, सबसे आंतरिक परत, यानी ये परत जो ब्लू कलर से आपको दिखाई गई है, ये है आपका पायामेटर। ये ब्लू कलर से जब सबसे अंतर दिखाई गई है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, इसको सही करिएगा, सीक्वेंस उल्टा हो गया। ब्लू कलर से जो सबसे आंतरिक परत दिखाई गई है वो क्या है? पायामेटर, पायामेटर। और इसके मध्य में जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है, इस लेयर को कहते हैं अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड। और जो सबसे अंदर है, सॉरी, जो सबसे बाहर है, ये देखिए ग्रीन कलर से जो दिखाई गई है, जो सबसे बाहर है, इसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक, क्लियर है। वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बन गया था, इसको सही कर लेंगे। ये फिगर आप बना लेंगे ह्यूमन ब्रेन का, और अब समझेंगे हमारा मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से होती है। हमारा मस्तिष्क कपाल से सुरक्षित होता है, यानी कपाल हड्डियों द्वारा सुरक्षित होता है। हम कह सकते हैं हमारा मस्तिष्क कपाल के अंदर कपाल गुहा में सुरक्षित होता है। हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड चारों तरफ से तीन रक्षक झिल्लियों द्वारा घिरी होती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं। ये जो रक्षक झिल्लियां हैं उनका क्रम अंदर से बाहर की तरफ इस तरह है, पहला पायामेटर जो सबसे आंतरिक झिल्ली है, उसके बाद अरेक्नॉइड जो मध्य की झिल्ली है रेड कलर से दिखाए हैं, और सबसे बाहर का परत जो कि है ड्यूरामेटर। क्लियर, अब कुछ बातें और डिटेल समझेंगे। यहाँ पर आपको पहले याद करना है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों तरफ जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं उनका नाम क्या है। सबसे आंतरिक परत पायामेटर, मध्य का परत अरेक्नॉइड और सबसे बाहर का परत ड्यूरामेटर। इन तीनों में से किसी में भी अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उस रोग को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्लियर, अब आप याद करेंगे कि पायामेटर सबसे आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। फिर याद करेंगे अरेक्नॉइड के बारे में कि अरेक्नॉइड मध्य झिल्ली, मध्य झिल्ली है, ठीक।
अब याद करेंगे अरेक्नॉइड व पाया मैटर, पाया मैटर के मध्य स्थान को क्या कहा जाता है? मध्य स्थान को कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस कहा जाता है, सब अरेक्नॉइड गुहा स्पेस कहा जाता है। इसमें एक तरल पाया जाता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड यानी सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। यह मस्तिष्क को या मस्तिष्क को किसी भी वाय आघात से बचाता है। वाय आघात का मतलब एक्सटर्नल शॉक, चोट वोट लग जाए तो उससे मस्तिष्क की रक्षा करता है, ब्रेन को वो झटका ना पहुंचे, वो चोट ना लगे। इसीलिए यहाँ पर एक द्रव भरा होता है किसके किसके बीच, पाया मैटर और अरेक्नॉइड के बीच, यहाँ पर वो द्रव भरा होता है। उस द्रव का नाम क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। याद होगा आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का स्राव कौन सी कोशिका करती है, कौन सी न्यूरोग्लिया कोशिका करती है? मैंने बताया था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का स्राव एपेंडाइमल सेल्स करती हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 6 प्रकार के न्यूरोग्लिया कोशिका के बारे में। अब याद करेंगे आप मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों तरफ 3 रक्षक झिल्लियाँ होती हैं, उनके नाम पाया मैटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर होता है। पाया मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में खाली स्थान होता है जिसे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, और इसमें एक द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को किसी भी वाय आघात से बचाता है। इस द्रव को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं। याद हो गया? अब जैसे जैसे सिक्वेंशियल याद करते चलेंगे काफी इजी हो जाएगा सारी चीजें। ड्यूरा मैटर पे आते हैं तो यह सबसे वाह झिल्ली है ठीक है। ड्यूरा मैटर व अरेक्नॉइड के मध्य भी स्पेस पाया जाता है। ड्यूरा मैटर व अरेक्नॉइड के मध्य खाली स्थान पाया जाता है, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्थान पाया जाता है जिसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और इसमें भी सीरमी तरल भरा होता है, सीरमी तरल यानी सीरस फ्लूड भरा होता है जो कार्य क्या करता है, जो परत को नम बनाए रखता है। ठीक, क्लियर है? बस ये था आपका 3 रक्षक झिल्लियों के बारे में। याद करेंगे ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के मध्य में जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और इसमें भी सीरमी तरल भरा होता है जो इन परत को नम बनाए रखता है। बस ये था 3 रक्षक झिल्लियों के बारे में। याद करना है कि तीनों रक्षक झिल्लियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तीनों रक्षक झिल्लियों को सम्मिलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं। इनमें किसी भी वजह से अगर स्वेलिंग आती है, सूजन होता है, तब इस रोग को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब आते हैं मस्तिष्क की औतिकी के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन कि कौन कौन से इनमें ऊतक पाए जाते हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क की औतकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन
मानव मस्तिष्क में दो प्रकार की तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, कह सकते हैं मस्तिष्क दो प्रकार के तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है, दो प्रकार के तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बना होता है। वो दो प्रकार के तंत्रिका ऊतक कौन कौन से हैं? पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो बना होता है धूसर द्रव का, धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से बना होता है, क्योंकि इसमें नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं। आपको बताया गया है ना कि नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर में। मेडुला जो होता है वो श्वेत द्रव से बना होता है, श्वेत द्रव यानी वाइट मैटर से बना होता है, क्योंकि इसमें कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं? मेडुलेटेड, जिसमें माइलिन खोल पाया जाता है, मेडुलेटेड न्यूरॉन पाया जाता है। क्लियर है? चूंकि मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, इसलिए जो हम सांस लेते हैं उसमें उपस्थित कुल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अकेले मस्तिष्क यूज करता है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है, उस समस्त ग्लूकोज का लगभग 15% ग्लूकोज का उपयोग अकेले मस्तिष्क करता है, यानी मस्तिष्क को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये श्वास द्वारा आए ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन यूज करता है और समस्त ग्लूकोज का लगभग 15% ग्लूकोज यूज करता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी आ जाती है, यदि मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इससे मानसिक कन्फ्यूजन पैदा होता है, मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाता है इंसान, मेंटल कन्फ्यूजन होता है अगर मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी होती है तो। बस अभी आप इतना याद करेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं, मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों तरफ तीन रक्षक झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं। ये तीन रक्षक झिल्लियाँ पायामैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरामैटर होती हैं। पायामैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो मस्तिष्क को बाह्य आघात से बचाता है। एरेक्नॉइड और ड्यूरामैटर के बीच के स्थान को हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें सीरमी फ्लूइड भरा होता है। ये तीनों रक्षक झिल्लियाँ मस्तिष्क को किसी भी बाह्य आघात से बचाती हैं। अगर हम हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन देखें तो मस्तिष्क दो प्रकार के तंत्रिका ऊतकों से मिला बनकर बना होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बनकर बना होता है क्योंकि इसमें नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें माइलिन खोल नहीं पाया जाता, ऐसे न्यूरॉन को हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। मेडुला वाइट मैटर से बना होता है, जिसमें मेडुलेटेड न्यूरॉन्स यानी ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन खोल पाया जाता है से मिलकर बना होता है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर के समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे हाई वॉल्यूम ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए ये टोटल ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स द्वारा कैप्चर किया जाता है उसका 20% यूज़ करता है, और जो ब्लड द्वारा कैप्चर ग्लूकोज है उसका लगभग 15% पार्ट ब्रेन अकेले यूज़ करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग। तो मस्तिष्क के भाग शुरू करने से पहले इतने पॉइंट आप नोट कर लेंगे। हेडिंग डालेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और इसमें लिखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। फिर आप हेडिंग डालेंगे मानव मस्तिष्क, लिखेंगे मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है जो आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है।
या ऐच्छिक गमन कौमा शरीर गमन कौमा शरीर के संतुलन कौमा प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्यों जैसे हृदय वृक्क फेफड़ों आदि के कार्य कौमा तापमान नियंत्रण कौमा भूख व प्यास लगना कौमा परिवहन लय कौमा अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह बोलने सुनने देखने की प्रक्रिया कौमा याददाश्त की कुशाग्रता भावनाओं व विचारों का भी स्थल है। बस अगली लाइन से लिखेंगे मानव मस्तिष्क व या ऐसे लिखेंगे मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से होती है। मानव मस्तिष्क व स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के चारों तरफ तीन रक्षक झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से मेनिन्जीज कहते हैं। यदि किसी भी वजह से इन तीनों में से किसी रक्षक झिल्ली में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब इस रोग को हम मेनिन्जाइटिस कहते हैं। मेनिन्जाइटिस लिखेंगे। यह तीन रक्षक झिल्लियाँ निम्न हैं। पहला हेडिंग डालेंगे पाया मैटर लिखेंगे या सबसे आंतरिक परत होता है। फिर दूसरा लिखेंगे अरेक्नॉइड लिखेंगे। अरेक्नॉइड मध्य झिल्ली है। पाया मैटर व अरेक्नॉइड के मध्य स्थल को सब अरेक्नॉइड स्पेस कहा जाता है जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल द्रव यानी फ्लूड भरा होता है जो मस्तिष्क को किसी भी बाह्य आघात से बचाता है। तीसरा हेडिंग डालेंगे ड्यूरा मैटर और लिखेंगे ड्यूरा मैटर सबसे बाह्य झिल्ली है। ड्यूरा मैटर व अरेक्नॉइड के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। इसमें भी सीरस फ्लूड भरा होता है जो इन परतों को नम बनाए रखता है। अब आप हेडिंग डालेंगे मस्तिष्क की औतिकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन लिखेंगे। मस्तिष्क दो प्रकार की तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बना होता है। पहला कॉर्टेक्स लिखेंगे। कॉर्टेक्स धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है क्योंकि इसमें नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स को हम नॉन माइलिनेटेड नर्व्स भी कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड नर्व्स पाए जाते हैं। दूसरा लिखेंगे मेडुला। लिखेंगे मेडुला श्वेत द्रव यानी व्हाइट मैटर का बना होता है क्योंकि इसमें मेडुलेटेड न्यूरॉन या माइलिनेटेड नर्व्स पाया जाता है। लिखेंगे मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा श्वास द्वारा लिए गए समस्त ऑक्सीजन का 20% भाग व रक्त द्वारा अवशोषित किए गए कुल ग्लूकोज का 15% भाग अकेले ही उपयोग करता है। आखिरी लाइन लिखेंगे यदि मस्तिष्क में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उससे मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है। बस ये था आपका मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। अब डिटेल हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग उन भागों का क्या कार्य है ये सारी चीज़ें। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे मस्तिष्क के भाग सबसे पहले आपको इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में याद करना है बना भी लेना है फ्लो चार्ट में। ब्रेन मस्तिष्क को तीन भागों में डिवाइड किया गया है एक है अग्र मस्तिष्क इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन
या इसे प्रोएन्सीफेलॉन भी कहा जाता है। दूसरा, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है, मिड ब्रेन। तीसरा, पश्चिम मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है, हिंड ब्रेन, या इसे रोमबेंसीफेलॉन कहा जाता है, रोमबेंसीफेलॉन। ठीक, अब हम और पढ़ेंगे डिटेल में। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? चार। अग्र मस्तिष्क में चार भाग आते हैं। सबसे पहले प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, या इसे हम टेलेंसीफेलॉन कहते हैं, टेलेंसीफेलॉन, प्रमस्तिष्क। ठीक, दूसरा आता है घ्राणपिंड जिसे ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है, या ऑल्फैक्टरी लोब, पिंड लिखे हैं तो लोब लिखेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब। तीसरा, डायन्सीफेलॉन, डायन्सीफेलॉन। चौथा, हाइपो थैलमस, हाइपो थैलमस। पश्चिम मस्तिष्क अगर हिंड ब्रेन को देखें यानी रोमबेंसीफेलॉन को देखें, इसको तीन भागों में बांटा गया है, पॉन्स, दूसरा अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, याद रखेंगे ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, और उसके बाद मध्यांश यानी मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा। ये है मस्तिष्क के भाग। हमें आगे यही पढ़ना है कि अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं, वो किसके बने होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है, मध्य मस्तिष्क में क्या है, पश्चिम मस्तिष्क में क्या है, क्या कार्य हैं, इन्हीं सब के बारे में हमें आगे पढ़ना है। हम आते हैं फिगर पे। फिगर आप बना लीजिएगा। फिगर में हम आपको समझा दें कि जो ब्रेन है हमारा वो चारों तरफ से स्कल द्वारा सुरक्षित होता है, कपाल द्वारा सुरक्षित होता है। मस्तिष्क और कपाल के बीच में तीन अस्तर होती हैं, तीन झिल्लियाँ होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पायामैटर, जिनके कारण मैंने आपको याद करा दिया। ब्रेन के अगर पार्ट को देखें तो ब्रेन में आप देखिए सेरिब्रम, ये जो पार्ट होता है सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। ठीक, ऑल्फैक्टरी लोब आगे आपको बताया जाएगा, डायन्सीफेलॉन आगे नेक्स्ट फिगर में दिखाएंगे, हाइपोथैलमस जो कि यहाँ पर बनाया गया है, हाइपोथैलमस, उसके बाद पॉन्स रीजन जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये है आपका पॉन्स, उभरा हुआ भाग, यहीं कहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाया जाता है। फिर सेरिबेलम, ये देखिए सेरिबेलम है, और ये है मेडुला ओब्लांगाटा, ये पूरा क्षेत्र है मेडुला ओब्लांगाटा, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगाटा को सम्मिलित रूप से ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। बस ये आपको थोड़ा सा ब्रेन के बारे में आपको समझाएगा। अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग को डिटेल में। आइए अब समझते हैं हम मस्तिष्क के भाग के बारे में। मस्तिष्क मैंने बताया आपको तीन भाग में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में। फिर आपको बताया गया अग्र मस्तिष्क तीन भाग में विभाजित होता है, सॉरी चार भाग में, प्रमस्तिष्क, डायन्सीफेलॉन, हाइपोथैलेमस और घ्राणपिंड। हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। पहले हम अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रामस्तिष्क, डायन्सीफेलॉन, हाइपोथैलेमस और घ्राणपिंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम के बारे में। प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर
यहाँ तक की संरचना जो है वो क्या है, सेरिब्रम है, अकेले, ठीक है। सेरिब्रम यानी प्रामस्तिष्क, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम। लगभग 80% भाग मस्तिष्क का, लगभग 80% भाग अकेले प्रामस्तिष्क बनाता है। प्रामस्तिष्क आप अगर देखें तो बीच से डिवाइड होता है, बीच से डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए, ये प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम बीच से डिवाइड होता है, एक गहरी पट्टी द्वारा डिवाइड होता है दो अर्ध गोलार्ध में, यानी हम कह सकते हैं इसको गोलार्ध कहा जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, प्रामस्तिष्क गोलार्ध, ध्यान से समझिएगा। हमारा जो प्रामस्तिष्क होता है वो एक लाइन यानी विदर के द्वारा विभाजित होता है दाएं और बाएं, प्रामस्तिष्क गोलार्ध में बटा होता है, आधे आधे पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम है तो पूरा पार्ट ये, लेकिन ये आधे में डिवाइड होता है, इसलिए हम इस आधे भाग को कहते हैं प्रामस्तिष्क गोलार्ध। इधर वाला लेफ्ट यानी बायां प्रामस्तिष्क गोलार्ध और इधर वाला राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी दायां प्रामस्तिष्क गोलार्ध, यानी कह सकते हैं कि सेरिब्रम दो भाग में विभाजित होता है, लेफ्ट और राइट में, और उस दोनों अर्ध भागों को हम कहते हैं प्रामस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों अर्ध गोलार्ध या प्रामस्तिष्क गोलार्ध आपस में तंत्रिका तंतु द्वारा जुड़े होते हैं, इस तंत्रिका तंतु को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम, यानी कह सकते हैं, पूछा जा सकता है कि प्रामस्तिष्क गोलार्ध आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो प्रामस्तिष्क गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रामस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं का एक आवरण आवरित करता है, मतलब हम कह सकते हैं ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है चारों तरफ से एक आवरण से घिरा होता है, उस आवरण को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रामस्तिष्क वल्कुट। याद करिए, हमारा प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% भाग बनाता है। प्रामस्तिष्क एक विदर द्वारा दो भागों में दाएं और बाएं प्रामस्तिष्क गोलार्ध में विभाजित होता है। ये दोनों प्रामस्तिष्क गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर याद करेंगे, प्रामस्तिष्क गोलार्ध चारों तरफ से आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे प्रामस्तिष्क वल्कुट कहते हैं। अब अगर आप प्रामस्तिष्क वल्कुट यानी इस आवरण का रंग देखें तो इसका रंग होता है ग्रे कलर का, ठीक है, इसी नाते इसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। मस्तिष्क के इस भाग को ग्रे मैटर कहा जाता है यानी धूसर द्रव, धूसर द्रव कहते हैं इसके रंग के कारण। प्रामस्तिष्क वल्कुट में आप देखें तो तीन भाग होते हैं, एक संवेदी भाग होता है, दूसरा प्रेरक भाग होता है, और तीसरा जो कि एक बड़ा भाग है जिसे हम सहभागी क्षेत्र कहते हैं। प्रामस्तिष्क वल्कुट में तीन भाग होता है, संवेदी भाग, प्रेरक भाग और बड़ा भाग जिसे सहभागी क्षेत्र कहते हैं, जो कि अंदर का क्षेत्र होता है। इस प्रामस्तिष्क वल्कुट के अंदर के जो क्षेत्र होते हैं, इसके अंदर उनमें जो माइलिन धागे हो, सॉरी उसमें जो रेशे होते हैं वो माइलिन खोल द्वारा आस्तरित होते हैं, और आपको बताया गया है माइलिन खोल जिसमें भी पाया जाता है उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, मेडुलेटेड न्यूरॉन्स, और वे जहाँ पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, श्वेत द्रव, क्योंकि उनका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, वाइट मैटर। कह सकते हैं कि प्रामस्तिष्क वल्कुट के आंतरिक क्षेत्र में जो रेशे होते हैं वे माइलिन खोल से आस्तरित होते हैं, और इस कारण इसका रंग श्वेत होता है, इसी वजह से इसे हम श्वेत द्रव कहते हैं। अब और अगर डिटेल में देखें तो आप देखते हैं कि प्रामस्तिष्क गोलार्ध में ये देख रहे हैं इस तरह से ये जो लाइनिंग होती है इसे हम कहते हैं वलन यानी कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन। तो प्रामस्तिष्क गोलार्ध
के संपूर्ण सतह पर कई सारे वलन यानी कॉन्वोल्यूशन होते हैं तथा अंदर की तरफ धंसा हुआ भंज यानी फोल्ड होता है, ठीक है, और इनकी वजह से प्रामस्तिष्क गोलार्ध में वलन और भंज की वजह से इसका सतह का जो क्षेत्रफल होता है लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। प्रामस्तिष्क, पूछा जाता है कि प्रामस्तिष्क का कार्य क्या है, तो प्रामस्तिष्क बुद्धि का केंद्र होता है। कितना इंटेलिजेंट है इंसान वो इसके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, प्रामस्तिष्क के। अब हम देखते हैं डायन्सीफेलॉन को। तो डायन्सीफेलॉन में आता है एपिथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस के बारे में डिटेल आगे बताएंगे भी। डायन्सीफेलॉन में आता है एपिथैलमस, थैलमस व हाइपोथैलमस। ये जो आप क्षेत्र देखते हैं, ये क्षेत्र कहलाता है डायन्सीफेलॉन, जहां पर हम इसी चीज को यहां पर बड़ा करके दिखाएं। डायन्सीफेलॉन में अगर आप देखें तो डायन्सीफेलॉन में ये जो इसका छत होता है, रूफ, ये जो होता है वो कहलाता है एपिथैलमस, ठीक है, एपिथैलमस। और जो पार्श्व की दीवारें होती हैं, मोटी दीवारें जो होती हैं, ये क्षेत्र, ये कहलाता है थैलमस। और जो निचला फर्श होता है, ये, ठीक है, ये भाग, ये कहलाता है हाइपोथैलमस। मतलब ये पूरा क्षेत्र क्या है, डायन्सीफेलॉन कहलाता है। एपिथैलमस के पास अगर देखें तो एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। पूछा जा सकता है मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव किससे होता है, तो पीलियन ग्रंथि से होता है, पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो एपिथैलमस के पास पाया जाता है। अगर आप थैलमस को देखें तो थैलमस रीजन बहुत मेन पार्ट होता है, क्योंकि थैलमस में ही ज़्यादातर शरीर के विभिन्न भागों से और मस्तिष्क से जो संवेदनाएँ आती हैं उनको प्रेरणाओं के रूप में ग्रहण करके पुनः उस प्रेरणाओं को सेरिब्रम में विभिन्न स्थानों पर भेजता रहता है। यानी थैलमस क्या करता है, शरीर व मस्तिष्क से आए हुए संवेदनाओं की प्रेरणाओं को ग्रहण करके प्रमस्तिष्क के विभिन्न भागों में भेजता है। यानी एज ए रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर उसे सेरिब्रम को डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ पर ये भेजता है। हाइपोथैलमस के बारे में अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। हाइपोथैलमस के नीचे एक उभार होता है जिसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस इन्फंडिबुलम से जुड़ा होता है एक ग्रंथि जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है, दो होती हैं, आगे और पीछे, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष ग्रंथि। इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो इन्फंडिबुलम होता है, इन्फंडिबुलम देख रहे ना, ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ने का कार्य करता है, यानी कड़ी के रूप में कार्य करता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पर जो भाग है वो है तंत्रिका तंत्र का यानी नर्वस सिस्टम का। तो इन्फंडिबुलम क्या कर रहा है, एज ए कनेक्टिंग लिंक के रूप में वर्क कर रहा है, कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलमस के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलमस में बहुत सारे केंद्र होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो मस्तिष्क पूरी तरीके से जो भी भाग है सभी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, लेकिन हाइपोथैलमस में अगर देखें तो बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं जो हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करते हैं, हमें भूख लगना प्यास लगना इन्हीं पर डिपेंड करता है, भूख व प्यास का नियंत्रण करते हैं हाइपोथैलमस।
ठीक है, शरीर ताप का नियंत्रण करते हैं, भूख व प्यास का नियंत्रण करते हैं, साथ ही साथ हाइपोथैलेमस में कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका स्रावी कोशिका पाई जाती हैं जो बहुत सारे हाइपोथैलेमस हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है, हार्मोन का स्राव करती हैं। आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में आपको बताया जाएगा हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पर वर्क करते हैं, जैसे GnRH, गोनाडोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाइपोथैलेमस से कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अलग अलग अंगों के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। अब एक सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र। आइए लिम्बिक तंत्र के बारे में देखते हैं, लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक लोब क्या होता है। लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र, लिम्बिक लोब में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग दूसरा एमिग्डाला, तीसरा हिप्पोकैम्पस, ये तीनों सम्मिलित रूप से एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र का निर्माण कौन करता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस। ये एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस को बनाकर नहीं दिखा सकता क्योंकि ये अंदरूनी अंग होती हैं। एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस और प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग सम्मिलित रूप से एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक तंत्र सम्मिलित रूप से मनुष्य के लैंगिक व्यवहार मनोभावना की अभिव्यक्ति यानी खुशी, गुस्सा, उत्तेजना, भय आदि का नियंत्रण करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब सम्मिलित रूप से मानव में उसका लैंगिक व्यवहार, मनोभावना की अभिव्यक्ति जैसे खुशी जाहिर होना, रोना, भय, डर और उत्तेजना, ये सभी जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब पर। ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं इन व्यवहार को अभिव्यक्त होने में। बस ये था आपका हाइपोथैलेमस के बारे में। तो आप पहले इतना लिख लीजिए, पहले आप हेडिंग डालेंगे अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क में लिखेंगे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रामस्तिष्क घ्राणपिंड डायन्सीफेरॉन तथा हाइपोथैलेमस आदि आते हैं। इसमें हेडिंग डालेंगे आप पहला प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम या इसे हम टैलेंसीफेरॉन भी कहते हैं। लिखेंगे प्रामस्तिष्क में कि प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का एक बड़ा भाग लगभग 80% भाग बनाता है। लिखेंगे एक गहरी लंबवत विदर प्रामस्तिष्क को दाएं व बाएं प्रामस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर में विभक्त करता है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंत्र की पट्टी कार्पस कैलोसम के द्वारा आपस में जुड़ी होते हैं। आगे लिखेंगे प्रामस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवरित करती है जिसे प्रामस्तिष्क वलकुट यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। आगे लिखेंगे प्रामस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण ग्रे कलर के कारण इसे धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर भी कहा जाता है। लिखेंगे प्रामस्तिष्क वलकुट में
संवेदी भाग, कॉमा प्रेरक भाग, तथा बड़े भाग भी होते हैं जो ना तो संवेदी होते हैं ना प्रेरक होते हैं। ऐसे भागों को सहभागी क्षेत्र कहा जाता है, तथा ये जटिल क्रियाओं जैसे स्मरण कौमा संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिखेंगे, इस्पत के रेशे माइलिन खोल द्वारा आवृत होते हैं जो कि प्रामस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग बनाते हैं, जिसे श्वेत द्रव यानी व्हाइट मैटर कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे, प्रामस्तिष्क वलकुट के संपूर्ण सतह पर वलन यानी कॉन्वोल्यूशन एवं भंज यानी फोल्ड पाए जाते हैं, जो सतह का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बढ़ा देते हैं। लास्ट लाइन लिखेंगे, प्रामस्तिष्क बुद्धि का केंद्र है जो कि थैलमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी एवं प्रेरक संकेतों का प्रमुख संपर्क स्थल होता है। बस अब आप हेडिंग डालेंगे डायन्सिफलॉन, डायन्सिफलॉन में लिखेंगे, डायन्सिफलॉन के छत को एपिथैलमस कहते हैं, तथा पतली मोटी पार्श्व दीवारों को थैलमस तथा फर्श को हाइपोथैलमस कहा जाता है। लिखेंगे, एपिथैलमस के पीछे एक पीनियल ग्रंथि होती है जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कार्य में लिखेंगे कि थैलमस शरीर व मस्तिष्क से संवेदनाओं के प्रेरणाओं को ग्रहण करके प्रमस्तिष्क के उपयुक्त क्षेत्रों में भेजता है, अर्थात यह पुनः प्रसारण केंद्र यानी रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है। लिखेंगे, इसके अलावा हाइपोथैलमस में हाइपोफाइसिस पाया जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, और हाइपोथैलमस से एक प्रवर्ध निकला होता है जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं, जो कि हाइपोथैलमस और पिट्यूटरी ग्रंथ को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अतः इन्फंडिबुलम तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। बस अब लिखेंगे आप हाइपोथैलमस के बारे में, लिखेंगे हाइपोथैलमस शरीर ताप नियंत्रण कौमा भूख व प्यास का नियंत्रण करते हैं। इससे कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हाइपोथैलमस हार्मोन का स्राव करती हैं। आगे लिखेंगे, प्रामस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग तथा अंदरूनी अंग जैसे एमिगडाला व हिप्पोकैम्पस, ये सभी सम्मिलित रूप से लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र बनाते हैं। फिर लिखेंगे, हाइपोथैलमस व लिम्बिक तंत्र सम्मिलित रूप से मानव में लैंगिक व्यवहार, मनोभावना की अभिव्यक्ति यानी खुशी, गुस्सा, उत्तेजना, भय आदि का नियंत्रण करते हैं। लास्ट आप हेडिंग डालेंगे घ्राण पिंड यानी ऑल्फैक्ट्री लोब। ये घ्राण पिंड एक बल्ब के समान यहाँ कहीं पर पाया जाता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे इसके बारे में लिख लेंगे। प्रामस्तिष्क गोलार्धों से घिरी बल्ब के समान संरचना होती है जो कि एक जोड़ी होता है, ठीक है, जिन्हें घ्राण पिंड यानी ऑल्फैक्ट्री लोब कहते हैं। अब आप लिखेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में, आप हेडिंग डालेंगे आपका ये हो गया अग्र मस्तिष्क। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो आपका ये पार्ट है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिड ब्रेन, ये पार्ट जो होता है वो मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क का होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन होता है वो हाइपोथैलमस या थैलमस कह सकते हैं, थैलमस या हाइपोथैलमस ये जो रीजन है उसके नीचे तथा मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर का भाग होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग होता है उसमें 4 लोबनुमा उभार होता है जिसे हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, पूछा जाता है कि कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहाँ पाया जाता है, तो मध्य मस्तिष्क का भाग है 4 लोबनुमा उभार यानी कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना पाया जाता है। यह कार्य क्या करता है, तो यह दृश्य
दृश्य प्रतिवर्ती यानी ऑप्टिक रिफ्लेक्स व श्रवण प्रतिवर्ती यानी हियरिंग रिफ्लेक्स केंद्रों के रूप में कार्य करता है। तो आप इसमें लिखेंगे मध्य मस्तिष्क में कि मध्य मस्तिष्क थैलमस व पॉन्स या मेडुला ओब्लांगाटा के मध्य या बीच में स्थित होता है। आगे लिखेंगे मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार लोबनुमा उभारों का बना होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। यह दृश्य प्रतिवर्ती यानी ऑप्टिक रिफ्लेक्स व श्रवण प्रतिवर्ती यानी हियरिंग रिफ्लेक्स केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे पश्चिम मस्तिष्क, और आपने पढ़ा है पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं, पॉन्स, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबलम व मध्यांश यानी मेडुला ओब्लांगाटा आता है पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंडबेन या रोम्बेंसिफ्लॉन, पश्चिम मस्तिष्क में आता है पॉन्स, दूसरा अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम व मध्यांश यानी मेडुला ओब्लांगेटा, आप लिखेंगे पश्चिम मस्तिष्क में हेडिंग डालेंगे पश्चिम मस्तिष्क पॉन्स अनुमस्तिष्क तथा मध्यांश यानी मेडुला ओब्लांगाटा से मिलकर बना होता है। लिखेंगे पॉन्स मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर स्थित होता है। फिर लिखेंगे पॉन्स तंत्रिका तंतुओं का बना होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। फिर आगे लिखेंगे पॉन्स में संवेदी व चालक दोनों प्रकार की तंत्रिका तंतु पाई जाती हैं, या इसमें ट्राइजेमिनल कॉमा एब्ड्यूसेंस कॉमा फेसियल कॉमा वेस्टी बुलो कॉक्लियर वेस्टिबुलो कॉक्लियर कपाल तंत्रिकाओं का केंद्र होता है, कपाल तंत्रिकाओं से संबंधित केंद्र होता है। किसमें, पॉन्स में। पॉन्स तंत्रिका तंत्रों का बना होता है, इसमें ट्राइजेमिनल एब्डुसेंस फेशियल वेस्टिबुलो कॉक्लियर कपाल तंत्रिकाओं संबंधित इसमें केंद्र होता है। कार्य क्या करता है, यह हमारे अश्रुश्रावण लार के श्रावण और चवड यानी मस्टिकेशन, हम लोग ऐसे चबाते हैं ना, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स। फिर फेशियल एक्सप्रेशन कि हम इस तरह से करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को भी यही कंट्रोल करता है पॉन्स। साथ ही साथ नेत्र की गति का भी नियंत्रण पॉन्स करता है। तो आप लिखेंगे पॉन्स में अगले लाइन से कि पॉन्स में संवेदी व चालक तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, इसमें ट्राइजेमिनल एब्डुसेंस फेशियल व वेस्टिबुलो कॉक्लियर कपाल तंत्रिकाओं संबंधित केंद्र होते हैं, या अश्रुश्रावण यानी लैक्रिमेशन कॉमा लार श्रावण यानी सलाइवेशन कॉमा चवड यानी भोजन को चबाने वाला काम यानी मस्टिकेशन कॉमा चेहरे की आकृति यानी फेशियल एक्सप्रेशन तथा नेत्री गति यानी ऑकुलर मूवमेंट का नियंत्रण करता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अनुमस्तिष्क यानी सेरिबलम, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे कि अनुमस्तिष्क यानी सेरिबुलम प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे, ठीक है, ये भाग आप देख रहे हैं यही है आपका अनुमस्तिष्क यानी सेरिबलम प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे
मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर स्थित होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 1/8 भाग बनाता है। जैसे आपका सेरिब्रम विभाजित होता है 2 खंड में, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, उसी तरीके से जो अनुमस्तिष्क यानी सेरिब्रम है वह भी 2 भागों में विभाजित होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रम, सेरिबेलम हेमिस्फेयर, यानी इधर वाला क्या कहलाएगा, राइट सेरिबेलम हेमिस्फेयर, और इधर का कहलाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं एक संरचना द्वारा जिसे हम कहते हैं वर्मिस, ठीक है। यानी अनुमस्तिष्क भी 2 अर्ध अनुमस्तिष्क में विभाजित होता है जिन्हें हम सेरिबेलम हेमिस्फेयर कहते हैं। अब अगर देखें अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम में, तो इनमें जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो एक वृक्ष के समान ऐसी संरचना बनाते हैं, वृक्ष के शाखा के समान ऐसी संरचना बनाते हैं, इसे हम कहते हैं आर्बर विटे। अनुमस्तिष्क कार्यों का प्रारंभ नहीं करता, अनुमस्तिष्क विभिन्न प्रकार के संतुलन और बहुत सारी जैसी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जैसे डांस करना, दौड़ना, इन सभी के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है बस। तो आप लिखेंगे अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम में या मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर तथा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नीचे स्थित होता है। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 1/8 भाग बनाता है। या 2 अनुमस्तिष्क गोलार्ध, अनुमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिबेलम हेमिस्फेयर से बना होता है जो आपस में वर्मिस नामक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। लिखेंगे अनुमस्तिष्क के श्वेत द्रव में तंत्रिका तंतु वृक्ष जैसे संरचना बनाती हैं जिसे हम आर्बर विटे यानी घ्राण वृक्ष कहते हैं, आर्बर विटे या घ्राण वृक्ष कहते हैं। लिखेंगे अनुमस्तिष्क क्रियाओं का प्रारंभ नहीं करता किंतु कुछ क्रियाओं जैसे संतुलन व ऐच्छिक गतियों, ब्रैकेट में लिखेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट एज डांसिंग कॉमा रनिंग ब्रैकेट क्लोज आदि का, आदि क्रियाओं का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं बस। लास्ट ऑफ हेडिंग डालेंगे मेडुला ओब्लांगाटा या मध्यांश। आइए अब समझते हैं मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में। यह मस्तिष्क का सबसे निचला शंक्वाकार संरचना होता है। जितने भी मस्तिष्क से तंत्रिका तंतु आते हैं वो इसी के माध्यम से होकर कहाँ गुजरते हैं, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में। मस्तिष्क से आने वाले तंत्रिका तंतु मेडुला ओब्लांगाटा के माध्यम से मेरुरज्जु में जाते हैं, और मस्तिष्क से आने वाले जो तंत्रिका तंतु हैं जब मेडुला ओब्लांगाटा से होकर मेरुरज्जु में गुजरते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और इसके अनुसार यह माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क का जो दायां भाग है यानी राइट पार्ट ऑफ ब्रेन वो हमारे इधर बाएं भाग के, शरीर के बाएं भाग के अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उल्टा सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, कह सकते हैं वायर कनेक्शन उल्टा हो गया। मस्तिष्क का जो ये भाग है दायां भाग यानी राइट पार्ट ऑफ ब्रेन वो कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट यानी बॉडी के लेफ्ट पार्ट के फंक्शंस को। यानी हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब मस्तिष्क से जो तंत्रिका तंतु आते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं और वायरिंग उल्टी हो जाती है। मेडुला ओब्लांगाटा बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे इसमें इंक्लूडेड है हृदय स्पंदन दर, हार्ट रेट, रुधिर वाहिनी दाब यानी ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग यानी वमन उल्टी करना, हिचकी, स्नीजिंग, छींकना, खांसना, कफिंग, इन सभी कार्यों का नियंत्रण मेडुला ओब्लांगाटा के द्वारा होता है। तो आप लिखेंगे मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में या मेडुला ओब्लांगाटा मस्तिष्क का सबसे निचला शंक्वाकार भाग है। लिखेंगे मस्तिष्क से आने वाले संवेदी एवं चालक तंतु मेडुला से होकर मेरुरज्जु में प्रवेश करते समय एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अतः मस्तिष्क का दायां भाग
शरीर के बाएं भाग को तथा मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण करता है। लिखेंगे मेडुला ब्लांकाटा, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, कॉमा हृदय स्पंदन दर हार्ट रेट, कॉमा रुधिर वाहिनी दाब यानी ब्लड प्रेशर, कॉमा निगलना यानी स्वालोइंग, खाना जब हम निगलते हैं ना उसको हम कहते हैं स्वालोइंग, SWALOWING, स्वालोइंग, कॉमा वमन यानी वोमिटिंग उल्टी, छींकना यानी स्नीजिंग, खांसना यानी कफिंग, कॉमा हिचकी यानी हिकपिंग आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बस ये हो गया मस्तिष्क के भाग के बारे में। अब आपका इसके बाद आता है मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी एक लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मस्तिष्क वृंत किसे कहते हैं, मस्तिष्क वृंत यानी ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क वृंत। देखिए मस्तिष्क वृंत में पॉन्स आता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन आता है, कॉमा मेडुला ओब्लांगाटा आता है, मेडुला ओब्लांगेटा तथा डायन्सीफेलॉन सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, मस्तिष्क वृंत यानी ब्रेन स्टेम। यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ब्रेन स्टेम कहलाता है। ब्रेन स्टेम के अंतर्गत कौन कौन आता है, डायन्सीफेलॉन, मध्य मस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला ओब्लांगाटा, ये मस्तिष्क वृंत कहलाता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम चारों तरफ से प्रामस्तिष्क और अनुमस्तिष्क से घिरा होता है। बस यही पॉइंट आप लिखेंगे, लिखेंगे मस्तिष्क वृंत, हेडिंग डालेंगे ब्रेन स्टेम और लिखेंगे पॉन्स कॉमा मध्य मस्तिष्क कॉमा मेडुला ओब्लांगाटा तथा डायन्सीफेलॉन को सम्मिलित रूप से मस्तिष्क वृंत यानी ब्रेन स्टेम कहा जाता है। मस्तिष्क वृंत चारों तरफ से प्रामस्तिष्क गोलार्ध व अनुमस्तिष्क गोलार्ध से ढका होता है। बस ये था आज का टॉपिक, भाग चार के अंतर्गत आपने मस्तिष्क के संपूर्ण भाग के बारे में जाना। अब इसके बाद आता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसके बाद जो सूचनाएं हैं वो कहाँ जाती हैं, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से शरीर के समस्त भागों में जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तब तक आपको यहाँ तक पढ़ना है, इसको समझिए, पढ़िए और याद करिए। कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स आप जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, नेक्स्ट पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, नेक्स्ट उत्तेजना भय खुशी डर इन सभी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, नेक्स्ट श्वसन दर हृदय स्पंदन दर और ब्लड प्रेशर यानी रुधिर वाहिनी दाब तथा खांसना छींकना वमन इन सभी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, नेक्स्ट भूख और प्यास का नियंत्रण कौन सा मस्तिष्क का भाग करता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।